अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाइन्थ क्लास की रियाजी का पहला चैप्टर कालब उसका मक्ता ये शुरू करने वाला हूँ। आज मशक नंबर 1/3 और उसका सवाल नंबर 6 उसको हल करेंगे। सवाल नंबर 6 के दो पार्ट हैं और ये इम्तिहान के नुक्ते नज़र से इंतहाई अहम सवाल है। तो सवाल नंबर 6 का पार्ट 1 है 3a-2b और पार्ट नंबर 2 है 2a ट्रांसपोज़-3 ट्रांसपोज़। तो इसका पहला पार्ट हम हल करते हैं 3a-2b। 3a-2b तो क्या करना है, सबसे पहले कॉलम ए को, मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉलम बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो जो कॉलम 3a का आंसर आएगा उसमें से दो कॉलम 2b के आंसर को माइनस करना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो फर्स्ट है 3a-2b इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 को सेम लिखेंगे, तो सबसे पहले 3 को सेम लिखेंगे और a की जगह हम मैट्रिक्स a के अरकान इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे 1-2, 3, 4। माइनस का माइनस आएगा, 2 लिखेंगे और b की जगह b के अरकान मैट्रिक्स b के जो अरकान है जो एलिमेंट है वो लिखेंगे 0, 7, -3, 8। तो आइए सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले 3 को मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को कॉलम बी के जो अरकान है इनसे मल्टीप्लाई करना है, जरब देनी है। तो पहले 3 को 1 से जरब दे 3, 3 को 2 से जरब दे 6, माइनस 6 आएगा और 3 को 3 से जरब दे 9, 3 को 4 से जरब दे 12, माइनस सेम आएगा। अब 2 को कॉलम बी के जो अरकान है इनसे जरब देनी है, तो ये 2 ضرب 0 = 0, 2 ضرب 7 = 14, 2 ضرب 3 = 6 और माइनस आएगा और 2 ضرب 8 = 16। तो स्टूडेंट हमने इनको पहले कॉलम को 3 से दूसरे को 20 से ضرب दे दिया है। अब क्या करना है, कॉलम ए जो है ये फर्स्ट है, इसमें से ये जो सेकंड है इसको माइनस करना है। तो कैसे जमा या माइनस करते हैं, उसका तरीका यह है कि जो फर्स्ट नंबर पे कॉलम है इसके मुतरादा अरकान को दो दूसरे नंबर पे कॉलम है इसके मुतरादा अरकान को माइनस करते हैं, पहले वाले अरकान को दूसरे में से माइनस करते हैं। यानी कि सेकंड का जो 0 है 3 में से माइनस करेंगे, 14 को -6 में से माइनस करेंगे और 6 को 9 में से और 16 को 12 में से। तो ये बनेगा 3-0-6 और ये -14 और ये 9 -(-6) ये माइनस आएगा और ये माइनस आप -6 और 12-16। तो नेक्स्ट टाइम में 3-0 3 आएगा और माइनस से 6 और -14। अब दोनों नंबर के साथ सेम अलामत है माइनस की है, अगर दोनों नंबर के साथ सेम अलामत हो प्लस की या माइनस की, जो नंबर्स हैं वो प्लस हो जाते हैं और जो अलामत है वही रहेगी माइनस हो या प्लस। ये माइनस किया तो माइनस रहेगी और ये कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पे 9-(-+)6, 12 में से -6 निकले तो माइनस, तो एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है, तो क्या करना है तफरीक करना है, 16 में से 12 को तफरीक करेंगे तो क्या आता है -16 में से 12 = 4 और अलामत बढ़ेगी माइनस। तो फाइनल जो जवाब है हमारे पास आएगा 3-20 और ये 15 और ये -4, 9+8 = 15। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट है 2a ट्रांसपोज़-3b ट्रांसपोज़ को हल करते हैं। तो ये 2a ट्रांसपोज़-3b ट्रांसपोज़ इसको हल करने के लिए 2a ट्रांसपोज़ माइनस
थ्री बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, टू को सेम लिखना है और जो कॉलम ए है इसका ट्रांसपोज देना है वन माइनस टू थ्री फोर और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे माइनस थ्री और बी के एंट्रीज लिखेंगे जीरो सेवन माइनस थ्री एट और इसके साथ ऊपर ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कॉलम ए का ट्रांसपोज देंगे फिर बी का, तो ए का ट्रांसपोज जो ए की रोज है उनको कॉलम में तब्दील करना है या कॉलम को रो में तब्दील करना है। तो ये आएगा मेरे पास टू, पहले रो है वन माइनस टू, इसका पहला कॉलम बनाएंगे वन माइनस टू, दूसरी रो है थ्री फोर और थ्री फोर को दूसरा कॉलम थ्री फोर बना देंगे और यह साइन जो है ट्रांसपोज की खत्म हो जाएगी और थ्री को सेम लिखेंगे। ऐसे बी को जीरो वन फर्स्ट रो है इसको पहला फर्स्ट कॉलम बना दें जीरो सेवन माइनस थ्री और एट सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है स्टूडेंट्स, दो को इसके हर अरकान से हर एलिमेंट से ज़रब देनी है और तीन को इसके हर एलिमेंट से ज़रब देनी है। तो ये बनेगा दो को एक से ज़रब दें दो, दो को तीन से दें छः और दो को दो से दें माइनस चार और दो को चार से ज़रब दें आठ और यहाँ पे माइनस पे तीन से ज़रब दें तो ये बनता है तीन सिफर सिफर और ये माइनस नौ और ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर। अब स्टूडेंट्स पहले की तरह इस कॉलम में से ये कॉलम जो है तफरीक करना है तो इसकी हर क्रॉसपॉन्डेंट जो एजेस है इसके मुतरादा अरकान है उनको माइनस करेंगे तो टू माइनस जीरो सिक्स माइनस इंटू माइनस नाइन और फोर माइनस ट्वेंटी वन और एट माइनस ट्वेंटी फोर। तो ये हमारे पास दो में से जीरो निकालेंगे दो और छः, ये अगर छः माइनस माइनस प्लस नाइन और यहाँ से माइनस फोर और माइनस ट्वेंटी वन दोनों की साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे माइनस ट्वेंटी फाइव और यहाँ पे एट के साथ साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है और ये माइनस है। जब डिफरेंट साइन होती है तो क्या करना होता है तो फ्री करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ट्वेंटी फोर में से एट को सब्ट्रैक्ट करें ये बनता है जी सिक्सटीन और बड़े के साइन माइनस आता रहेगा और फाइनल जो आंसर हमारे पास आया ये टू और सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन और माइनस ट्वेंटी फाइव और माइनस सिक्सटीन, इट इज़ द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसके हमने दोनों पार्ट्स वन और टू हल कर दिए।